आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान 10 यात्री कोरोना वायरस के संदिग्ध निकले, जिनमें एक दरोगा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि आगरा कैंट स्टेशन पर पंजाब मेल ट्रेन से उतरे एक युवक की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिसमें उसका तापमान बढ़ा हुआ निकला। इसके बाद अन्य लोगों की भी जांच की गई तो उनका भी तापमान बढ़ा हुआ निकला। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ पर पता चला कि युवक को खांसी जुकाम की शिकायत है। इसके अलावा उसे उल्टियां भी हुई। तत्काल विशेष टीम द्वारा संदिग्ध युवक को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही दरोगा समेत दूसरे लोगों को भी जिला अस्पताल भेजा गया है। ये जो पेंटी कार में काम करते हैं और ट्रेन से आए थे ये, और जैसे ही हम लोगों ने जो है थर्मल से स्कैन किया इसका, तो इसमें हाईली टेम्परेचर आया और हाईली लोडेड ऑफ वायरस था इसके, ऐसा सस्पेक्ट में आया है। विशेष टीम के द्वारा भेजा गया है इसको, विशेष टीम के द्वारा विद किट के द्वारा भेजा गया है, और बिल्कुल ही इसके जो सिम्टम थे वो कोरोना के ही लग रहे थे। अब इसका देखेंगे रिजल्ट क्या आता है इसका। इसका फीवर भी दिखाई दे रहा है। हाँ, इसका जो है 102 फीवर था इसको। गौरतलब है कि रेलवे द्वारा सभी ट्रेनों को 31 मार्च के लिए रद्द कर दिया गया है, लेकिन बीच रास्ते में चलने वाली ट्रेन स्टेशन पर पहुंच रही है। ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है। ऐसे में अगर पेंट्री कार में काम करने वाले व्यक्ति में यदि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जाता है तो इसके बाद रेलवे प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।